Hey, are you finding difficult to attract new members in your Rotary Club? Are you not able to attract sufficient number of members in your Rotary Club? My dear friend, if your answer is yes, so in this video, I'm going to help you how to attract more new members in your club. So without further ado, let's start. So, my dear friend, I am Sanjay Shalby, I will train and a life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So, my dear friend, today I'm going to talk about 20 tips. Yes, my dear friend, I will give you 20 tips. By using those tips, I'm sure you will be able to attract more members in your club. So, let us come to the first tip. That first tip is ensure your club website is current and contains membership information. अगर आपका क्लब का कोई वेबसाइट नहीं है तो आज और अभी से उस पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल हो रहे हैं, तो उनको क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट पर होना चाहिए, कैसे ज्वाइन करना है, किसको कांटेक्ट करना है, ये सारी चीजें उनके एक क्लिक पे आने चाहिए आंसर। सो आप वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट डेवलप करिए अगर नहीं है तो, और अगर वेबसाइट है तो उसमें ये इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए, हाउ टू ज्वाइन रोटरी एंड होम टू कॉन्टैक्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज यूज द सोशल मीडिया पावर। My dear friend, you must be understanding that most of the people nowadays are using social media. तो social media को जितना से ज़्यादा use कर सकते हैं करिए। जो भी program आप कर रहे हैं, जो भी बड़ा event कर रहे हैं, उसको social media पे डालिए, लोगों को बताइए ये चीज़ें हो रही है, उसमें advertise करिए। होम टू contact, अगर कोई join करना चाहता है आपके videos को देखकर, आपके photos को देखकर, तो किससे कांटेक्ट करना चाहिए, उसमें क्लियर कट होना चाहिए कि कोई भी अनजान आदमी उस वीडियोस एंड फोटोज को देखकर अगर उसके मन में ये इच्छा आती है कि मुझे रोटरी ज्वाइन करना है तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। नाउ थर्ड टिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड इट इज यूज्ड एवरीवेयर। आस्क समवन, पूछिए जिसको भी आप जानते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बॉस को, कलीग को, फैमिली मेंबर्स को, जिसको भी आप जानते हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि रोटरी ये है, रोटरी में ये चीज होता है, आइए और हमारे साथ मिलकर कुछ बड़ा करिए। एंड दैट फोर्थ टिप इज इंश्योर दैट प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स फील इंपॉर्टेंट। या दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने देखा है कई क्लब में कि कोई नया मेंबर आ रहा है, नया गेस्ट आ रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है भाई, तो ये तो फर्स्ट इंप्रेशन है ना। अगर कोई आपके यहां आता है उसको इंपॉर्टेंट फील नहीं होता है तो क्या दूसरी बार आएगा? नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपके क्लब का हर मेंबर इस तरह से ट्रेंड होना चाहिए कि कोई भी नया लोग आ रहा हो तो उससे इंपॉर्टेंस दीजिए, उससे बात करिए, उससे इंपॉर्टेंट फील कराइए। नाउ द फिफ्थ टिप इज मेक योर मीटिंग फन। देखिए मीटिंग में तो क्या है ना, वही वन टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट जो है वही होता है जो एवरी मीटिंग में होता है, लेकिन आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको फन के साथ कंडक्ट करना है, तो नई नई चीजें उसमें ऐड करिए, नया नया चीजें जोड़िए, लोगों को इंटरेस्टिंग, लोगों को ऐसा लगे कि ये मीटिंग इंटरेस्टिंग होता है।
नेक्स्ट टाइम वो आने के लिए हमेशा तत्पर रहे। कुछ ना कुछ आप नया फन फ्रॉलिक बनाने की कोशिश करिए। जो सिक्स टिप इज हैव अ क्लियर मेंबरशिप गोल टू योर क्लब। आपके क्लब का एक गोल होना चाहिए कि इस महीने में कितना मेंबर्स हमें चाहिए और उस पर काम करना है, इस ईयर में इतना हमें मेंबर्स चाहिए और उसके अनुसार मंथली हमें कितना चाहिए, तो उसके अनुसार आपको काम करना है। तो गोल क्लियर कट होना जरूरी है। गोल होगा तभी तो हर आदमी उस पर काम करेगा, ठीक है। तो आपका क्लियर कट गोल होना चाहिए कि आपको कितना मेंबरशिप और इंक्रीज करना है, और ये हर मेंबर्स को पता होना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट इज हैव इंसेंटिव फॉर रिक्रूटमेंट, मेक इट फन एंड एक्साइटिंग फॉर योर मेंबर्स। जो भी लोग लेकर आ रहा है उसके लिए फन बनाइए, एक्साइटिंग बनाइए, उनको रिवार्ड करिए, उन्हें लगे कि यस, मैं जो मेंबर्स को लेकर आ रहा हूं वो एक्साइटिंग है, फन है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवार्ड रोटेरियंस हु ब्रिंग इन न्यू मेंबर्स, रिकॉग्नाइज अ जॉब वेल डन, वेल डन जॉब, उनको रिकॉग्नाइज करिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको इनकरेज करिए। कोई भी क्रिएटिव चीज सोचिए कि क्या करें ताकि जो लोग मेंबर्स को ला रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मेंबर्स को ला रहा है, उसे हम कैसे इनकरेज करें। सोचिए सोचिए, बहुत सारे टिप्स हो सकते हैं। नाइन्थ टिप इज एवरीवन नीड्स अ 1 मिनट एलिवेटर स्पीच। हर मेंबर्स को 1 मिनट एलिवेटर स्पीच प्रिपेयर करने को कहिए। एलिवेटर स्पीच होता है कि 1 मिनट आपको बोलना है जो भी चीज़ें पे आप बोलना चाहते हैं, आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, जिस पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोटरी है, तो रोटरी से रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस है उसका 1 मिनट एलिवेटर स्पीच के रूप में लोगों को बोलने के लिए कहिए, प्रिपेयर करने के लिए कहिए, एंड बी रेडी टू डिलीवर। एंड एवरी मीटिंग में एटलीस्ट 3 to 5 लोगों को बोलिए, पूछिए, उनको इंकरेज करिए एलिवेटर स्पीच को देने के लिए। 10th पॉइंट, एंगेज योर इंटायर क्लब वर्क टुगेदर टू इनवाइट एटलीस्ट 1 प्रोस्पेक्ट टू ईच क्लब मीटिंग। सो हियर इनवाइट ईच मेंबर एटलीस्ट 1 गेस्ट, ईच 1 ब्रिंग 1, है ना। हर आदमी के दिमाग में ये रहेगा कि मुझे एक आदमी को लेकर जाना है, मुझे एक आदमी अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी को लेकर जाना है, वहाँ जाएगा, देखेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा तो ज्वाइन करेगा। 11th पॉइंट, असाइन अ नॉलेजेबल एंड सेल्स ओरिएंटेड रोटेरियन टू फॉलो अप विद गेस्ट एंड रिपोर्ट बैक। जो भी आपके क्लब में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन हो, बहुत ही एक्सपीरियंस रोटेरियन हो, उनको, उन लोगों को फॉलो करने के लिए कहिए। जो भी आपके पास लिस्ट हुआ, ये ध्यान रखिए जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए एक अलग से गेस्ट बुक बनाइए, और एवरी वीक एटलीस्ट 2 लोग उनको फॉलो अप करिए, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते, इस तरह से फॉलो अप करिए। 12th पॉइंट, टेल योर क्लब स्टोरी इन कम्युनिटी न्यूज़पेपर एंड ऑन लोकल रेडियो एंड टीवी। जो भी आपके क्लब में हो रहा है उसको लोकल न्यूज़पेपर में डालिए, टीवी पे डालिए, रेडियो में डालिए, तो लोगों को पता चलेगा कि आपके पास रोटरी क्लब है, उसके घर के आसपास रोटरी क्लब है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि रोटरी क्या है भाई, तो ये कहाँ से पता चलेगा, न्यूज़पेपर में देखेंगे, रेडियो में सुनेंगे, टीवी में देखेंगे तभी तो। तो इस तरह से आप लोगों को अपने रोटरी का जो स्टोरी है वो बता सकते हैं, और फिर लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। 13 पॉइंट, राइट लेटर्स टू मेक पर्सनल कॉन्टेक्ट विथ लोकल बिजनेस प्रोफेशनल पीपल। जो भी आपके नियर बाय, आपके सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट बिजनेस लोग, बिजनेस पीपल हैं, लोकल लोग हैं, उनसे कॉन्टेक्ट बनाइए, लेटर लिखिए, देन इन्वाइट करिए उनको अपने क्लब में। कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, डीजी विजिट हो रहा है, कोई इंस्टॉलेशन सेरेमनी हो रहा है, तो उसमें लोगों को बुलाइए और उसमें पार्टिसिपेट कराइए। 14 पॉइंट, प्रोस्पेक्ट थ्रू योर लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए आजकल डायरेक्टरीज हैं, लोकल चैम्बर्स हैं,
बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, तो वहाँ बहुत सारे आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स मिलेंगे। तो कौन से प्रोफाइल का लोग आपके क्लब में नहीं है, उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब प्रोस्पेक्ट मेंबर्स हैं। 15th पॉइंट, इनवाइट फैमिली मेंबर्स टू ज्वाइन। हर आदमी अपने फैमिली मेंबर्स से अगर एक एक आदमी को ले आया तो डबल हो गया ना। तो इनवाइट फैमिली मेंबर्स, आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो अपने फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करिए, उनको इनकरेज करिए ज्वाइन करने के लिए। 16th पॉइंट, स्ट्राइव टू रिक्रूट मोर विमेन इनटू योर क्लब। पहले रोटरी क्लब में विमेन नहीं होते थे, लेडीज नहीं होती थी, लेकिन अब वो अलाउ हो गया है, अब विमेन को ऐड कर सकते हैं। और इनकरेज करिए ज्यादा से ज्यादा विमेन को ऐड करने के लिए, क्योंकि रोटरी जो है बैलेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 40-60 होनी चाहिए, 30-70 होना चाहिए, 50-50 हो तो बहुत अच्छा है ना। तो इनकरेज करिए वुमेन को रोटरी में आने के लिए। 17th टिप, स्ट्राइव टू अकॉम्प्लिश एथनिक डाइवर्सिटी इन योर क्लब। ये ध्यान रखिए कि आपके क्लब में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि ये जो रोटरी क्लब है ये पूरा डॉक्टर्स का क्लब है, ये जो क्लब है पूरा इंजीनियर्स का क्लब है, ये जो क्लब है पूरा टीचर्स का क्लब है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर फील्ड से एक दो तीन लोग होने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। 18th, होल्ड रिक्रूटिंग इवेंट्स विथ अदर रोटरी क्लब्स इन योर एरिया फॉर बिगर इम्पैक्ट। आपके जो स्पॉन्सर क्लब हैं, आपके नियर बाई जो बड़े क्लब हैं, उनके साथ मिलकर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाइए। उन लोगों को पता है कैसे रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाना है। स्कूल्स में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, और भी कई तरीके हैं जिससे आप रिक्रूटमेंट ड्राइव को कर सकते हैं। तो ये आपको स्पॉन्सर क्लब जो बड़े क्लब हैं उनको पता है कैसे इसको करना है। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव करिए और इससे आपके मेंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं। 19th, पुट टुगेदर अ गेस्ट इंफॉर्मेशन पैकेज टू टेल योर स्टोरी। आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए। कोई भी गेस्ट अगर आता है तो एक गेस्ट के लिए एक प्रोफॉर्मा रखिए। वो ऑलरेडी रोटरी का जो वेबसाइट है इस पर मिलता है, उसको प्रिंट करके रख सकते हैं फॉर गेस्ट इंफॉर्मेशन। रोटरी क्या है, क्या करता है, कैसे ज्वाइन करते हैं, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें। उसमें आपका जो मेंबरशिप का जो चेयर है, मेंबरशिप कमेटी का जो चेयर है, उसका नंबर होना चाहिए, ताकि जब भी उसके दिमाग में आए कि मुझे रोटरी ज्वाइन करना है तो उस नंबर को कॉल कर ले। नाउ 20, एडवर्टाइज द सर्विसेज प्रोजेक्ट इन योर क्लब। डज दैट सर्विस ए नीड इन द कम्युनिटी। जो भी सर्विस प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, उसको एडवर्टाइज करिए, बड़े बड़े बैनर्स बनाइए, लोगों को दिखाइए, लोगों को बताइए कि ये चीजें हमारे यहां हो रही है। इमेज तो बनाना पड़ेगा ना। आपका रोटरी क्या कर रहा है कैसे पता चलेगा? आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा आप जो कर रहे हैं। पूरी दुनिया को बताइए, पूरी सोसाइटी को बताइए कि ये चीजें हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें, यहां आइए और हमारे साथ मिलकर बड़ी बड़ी सर्विस को अपने सोसाइटी में कर सकते हैं। तो ये था हमारा 20 पॉइंट्स, माय डियर फ्रेंड। आई एम श्योर ये जो 20 पॉइंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ तो आपके लिए काम करेगा। तो सारे 20 पॉइंट्स को स्लोली आप अपने क्लब में यूज करिए, ट्राई करिए, ट्रायल एंड एरर के रूप में करिए, ट्राई एंड टेस्ट के रूप में करिए, करते रहिए। एंड आई एम श्योर इट विल अफेक्ट योर मेंबरशिप। आपका मेंबरशिप जरूर इंक्रीज होगा। ओके माय डियर फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।